इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी, जुग जुग जियो। जी हाँ, आज बात करेंगे हम जुग जुग जियो की स्टार कास्ट के साथ। आज एक स्पेशल मुलाकात मुनीश पॉल के साथ। सबसे पहले देखते हैं एक ट्रेलर जुग जुग जियो का, और उसके बाद देखते हैं और बातचीत करते हैं हमारे अपने मुनीश पॉल के साथ। तुम दोनों बिना शर्माए एक साथ बताओगे कि तुम्हें एक दूसरे से क्या चाहिए। कौन से पापा अपने बच्चे के डिवोर्स के बारे में सुनने के लिए जोन में होते हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना। बीवियाँ शादी के बाद इतनी बोरिंग क्यों हो जाती है? पापा आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तेरी मम्मी को डिवोर्स कर रहा हूँ। हम दोनों पापा की गोद में बैठ के बड़े हुए, अब वो टीचर आके पापा जी की गोदी में बैठ गई है, अब पापा जी बड़े हो रहे हैं। जितने भी नचते सारे कोई नहीं होते जैसा लगता। मुनीश जी, अभी हमने आपका ट्रेलर देखा और जबरदस्त ट्रेलर, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द मूवी। तो अभी हम ये जानना चाहेंगे मुनीश पॉल एंड गुरप्रीत शर्मा, सो किस तरीके से इस मूवी में क्या करैक्टर और जबरदस्त करैक्टर। आप हमेशा लोगों को हंसाते हैं अपनी स्माइल के साथ, अपने अंदाज के साथ हमेशा लोगों के फेस पे स्माइल लेके आते हैं, तो इस करैक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार अच्छा लग रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, एंड जो गुरप्रीत कैरेक्टर बनाया है बहुत फन लविंग कैरेक्टर है, बहुत मजेदार है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे आई कुड रिलेट, बिकॉज मैं बहुत ऐसा ही हूँ, मस्ती में रहता हूँ, मजे में रहता हूँ। लोगों ने ट्रेलर देखा, बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, जो फनी लाइन्स हैं लोगों को पसंद आ रही हैं, और जब आप कनेक्ट करने लगते हो उससे बेटर और बढ़िया फीलिंग कोई नहीं होती। आप इतने कैसे अपने आप अपने ब्रदर से बात कर रहे हो, वरुण से बात कर रहे हो, कि आपने बता रहे हो कि ऐसा हो गया, एक बार वो डायलॉग हो जाए, अभी तो हमने ट्रेलर ही देखा। यार वो डायलॉग ऐसा है कि क्या यार कुकू, तू और मैं पापा जी की गोद में बैठ के बड़े हुए हैं, अब वो टीचर आके गोदी में बैठ के पापा जी बड़े हो रहे हैं। क्या बात है, सब आपके उस कैरेक्टर के दीवाने हैं। कोई ऐसी बात जो सबके साथ शेयर की जाए, हम स्क्रिप्ट की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन ऑन द सेट कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको हमेशा याद रही हो? यार बहुत ऐसी बातें हुई हैं, आई थिंक बहुत मजा। पहली बात तो ये इनके साथ काम करना ही बहुत बड़ी यादगार रहेगी। अनिल सर हैं, नीतू जी हैं, वरुण, कियारा, प्राजक्ता, इन सबके साथ बहुत मजा आया काम करने में। तो आई थिंक इसमें क्या रहा कि हम लोग जस्ट एज एक्टर्स नहीं गए सेट पे, ऐसा लगता था एक फैमिली फंक्शन, एक्चुअल में फैमिली फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, और हम सब उसी मजे में रहते थे, यू नो, खूब हंसी मजाक किया, खाना इकट्ठे खाते थे, वेट करते थे, सब एक दूसरे के पैकअप की वेट करते थे, ऐसा नहीं था किसी का काम हो गया तो चला गया, सब वेट करते थे एक दूसरे की। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ये फिल्म में याद रहेंगी। बहुत सी चीजों में से एक चीज तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक चीज जो यादगार रही हो इस मूवी में। यार सबसे बड़ी जो मेरे लिए मोमेंट रहा जब मेरा पहला सीन था अनिल कपूर सर के साथ, बिकॉज यार हमने उनको बोलो तो उन्हें ऐसा लगता क्या बोल रहा है, मैं उनको बोलता सर बचपन से आपको देखा है। तो यार देखा तो अरे बचपन से ही है, तो यू नो उनकी फिल्मों की टिकट्स लेके मैं दिल्ली में थिएटर में जाके देखा करता था, बट उनके साथ जब पहली बार यू नो स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा, वो सीन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। क्या बात है कि मैंने आपको पर्सनली विटनेस किया है कि आप स्टेज से जाने से पहले पूरा बॉडी पंप अप करते हैं, यू ऑलवेज एज अ फिट गाय, सो थोड़ी सी फिटनेस के भी आप प्लीज बताइए कि हाउ यू आर फिट एंड स्मार्ट एंड डैशिंग विद स्टाइल ऑफ डांसिंग। यार देखिए भाई ये तो काम है मेरा, मुझे अच्छा दिखूंगा नहीं तो लोग देखने क्यों आएंगे, फायर भी हूँ तो मुझे फिटनेस का वैसे ही बहुत शौक है, मैं जिम में बहुत जाता हूँ, मैं खाने का ध्यान रखता हूँ, तो इन चीजों का मैं सभी को बोलता हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड, इट्स अबाउट फीलिंग गुड। आप अच्छा खाना खाएंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, आप खुद ही अच्छा फील करने लगेंगे, तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है, सो आई थिंक सबको थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। मुनीश जी किस तरीके से हम आपके डांस के बहुत दीवाने हैं, बिकॉज आई विटनेस यू ऑन द स्टेज, ऑन द स्क्रीन, एवरीवेयर, और कौन सा भी पूरी दुनिया में ये गाना छा रहा है नच पंजाबन नच पंजाबन, तो हमें एक डांस स्टेप भी सिखा दें उसका, अनिल जी ने तो हमें सिखाया था। हाथ में यहाँ रखना है और कहना है अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी टच, नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच, ठीक है बस ये करिए।
ब्यूटिफुल। एंड मुनीश जी, इस मूवी से, क्योंकि ये मूवी में हम ये जान रहे हैं कि डेफिनेटली ड्रामा, कॉमेडी, फन सब कुछ है, एंड आपको इससे क्या क्या चीजें उम्मीदें हैं, और आप सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को पहले तो बहुत बहुत प्यार देना चाहूंगा, बिकॉज जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ मुझे बहुत प्यार मिला है वहां से, तो पहले तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी को ये कहना चाहूंगा, ये एक फिल्म बहुत समय बाद ऐसी आ रही है जो फैमिली एंटरटेनर है, यू नो, मजेदार फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो सारा परिवार एक साथ जाके एंजॉय करके घर आएगा, एक एक मुस्कुराहट लेके वापस आएगा। तो आप लोग जाएं, एंजॉय करें, हमने बहुत प्यार से फिल्म बनाई है, आपके लिए बनाई है, तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाएं, देखें और एंजॉय करें, क्योंकि इसमें कपल केमिस्ट्री बहुत सारी है। तो आप कपल्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, बहुत ये कपल्स के लिए बहुत जरूरी फिल्म है, बिकॉज ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ कपल्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट ये मत सोचिएगा आप कोई प्रीची फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं, आप एक फिल्म देखने जा रहे हैं जहाँ मजे मजे में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो मैं गारंटी देता हूँ, जब लोग थिएटर से बाहर निकलेंगे तो एक बार तो अपने कपल को देख के स्माइल जरूर आएगी, उनके अपने पार्टनर को देख के स्माइल करेंगे कि हाँ यार कुछ चीजें हैं शायद मैं भूल गया था लेकिन मुझे एक बार फिर से याद आ गई। वाओ, इंडस एजेंट फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से मैं जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और मुनीश पॉल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आप हमें हंसाते रहें, हमें मुस्कुराने का चांस देते रहें, और वी आर ऑलवेज गोइंग टू फॉलो यू, योर एक्टिंग, योर डांस, योर पर्सनैलिटी, योर फिटनेस। एंड मैं वरुण तिवारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आज आपके साथ बातचीत करके बहुत मजा आया, और हमें जुग जुग जियो का बहुत इंतजार है, और जाते जाते एक डांस स्टेप हो जाए। बिल्कुल यार, मैं सबको कहना चाहूंगा थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वरुण इतना अच्छा इंटरव्यू लेने के लिए मेरे साथ, और मैं यही कहना चाहूंगा जाते जाते ही वापस कहना चाहूंगा, ऐसे ऐसे करते थिएटर में पहुंचो नच पंजाबड़ करते, और ऐसे ऐसे करके बाहर आ जाओ एंजॉय करते हुए। Australia's first Indian magazine to have a national reach. Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions. 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.